बेटा की बंगाली, वेरी गुड बंगाली वाला। ये दोनों मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। पता है, मैं ना मॉर्निंग पर्सन कभी भी नहीं थी। अभी जैसे त्रियान मेरा बहुत छोटा है तो रात को नींद कंप्लीट नहीं होती है ठीक से, तो सुबह देरी हो जाती है और भी उठते उठते, और इसके कारण ना बहुत सारी चीज़ जो मैं करना चाहती हूँ वो कर नहीं पाती हूँ, क्योंकि पूरा दिन मुझे त्रियान के साथ रहना होता है। उसे छोड़कर कुछ काम भी करती हूँ ना तो मन बहुत ही दुखता है, और वो तो मुझे हमेशा ही बुलाते रहता है मम्मी मम्मी करके। लेकिन अभी मैं क्या करती हूँ, उससे बहुत जल्दी उठ जाती हूँ ताकि कुछ टाइम अपने लिए स्पेंड कर पाऊँ। जैसे सुबह उठ के अच्छे से आराम से बैठ के पानी पीना, एक जगह बैठ के सोचना कि पूरा दिन में क्या क्या करने वाली हूँ मैं, त्रियान के लिए ब्रेकफास्ट कुक करना, उसके लिए लंच बनाना, और ख़ुद के लिए भी कुछ हेल्दी ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर लेना। तो इस कॉपर बॉटल में ना मैं पानी रात को ही कभी कभार भर लेती हूँ, और कभी अगर ख़त्म हो जाता है तो सुबह फिर से भर देती हूँ, और थोड़ा बैठ के मैं पानी पी लेती हूँ एक ग्लास के करीब। और उसके बाद अगर किचन में काम करने आती हूँ ना, फर्स्ट थिंग है काउंटर टॉप क्लियर करना। वैसे काउंटर टॉप में रात में कुछ होता नहीं है, लेकिन आपको जैसे पता ही है किचन में थोड़े बहुत कीड़े मकोड़े तो आ ही जाते हैं, इसीलिए मैं सोप और पानी से एक कपड़े से अच्छे से धो लेती हूँ। और उसके बाद अपना ये मॉर्निंग ड्रिंक बनाती हूँ, जिसमें अदरक, 2 चम्मच जीरा, 1 चम्मच अजवाइन और 1 चम्मच सौंफ का डाल के पानी को थोड़ा सा गर्म होने देती हूँ। उसके बाद ना मैं त्रियान का और अपना भी ब्रेकफास्ट बनाऊँगी सबके लिए। देखिए, अगर आप ऐसे पैकेट खरीदते हैं ना, तो छोटे पैकेट के को कट करना होता है, तो पूरा कट करके छोटे जो पार्ट होते हैं ना प्लास्टिक के, उसको आप कभी मत फेंकिएगा, उसको बड़े पैकेट के साथ ही रहने दीजिएगा। मतलब काटना है तो पूरा नहीं काटना है, छोटे पैकेट को ऐसे अटैच करके ही रखना है बड़े पैकेट के साथ, क्योंकि प्लास्टिक तो नॉन बायोडिग्रेडेबल है जैसा हमें सबको पता है, और ऊपर से ऐसे छोटे छोटे प्लास्टिक के पार्ट्स ना नॉन रिसाइकलेबल हो जाते हैं, जो हमारे तालाब या फिर वाटर बॉडीज़ में जाते हैं और मछलियाँ या फिर कोई भी इंसेक्ट्स एनिमल्स इसे खाते हैं ना, तो वो मर सकते हैं। तो ये हमें ध्यान में रखना है हमारे नेचर के लिए, जो इन रिटर्न होके हमारे ही पास आने वाला है। तो आज ना मैं ब्रेकफास्ट में बनाऊंगी सूजी के ये बहुत ही टेस्टी सूजी वेजिटेबल्स चिला। बहुत ही जल्दी बन जाता है, बस वेजिटेबल्स को काटने में आपको जितना टाइम लगता है। और एक बात मैं बताऊँ, मुझे ना ये वेजिटेबल्स को छोटे छोटे पीसेस में चॉप करना बहुत ही अच्छा लगता है। ये मुझे लगता है ना कि एक मेडिटेशन के टाइप का है, मतलब आपका ध्यान हमेशा इसी में रहेगा कि आप अपने वेजिटेबल्स को अच्छे से काट रहे हैं या नहीं, पीसेस बराबर हो रहे हैं नहीं, और ये ना काटते काटते आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपका ध्यान भी एक ही तरह रहेगा। आप चाहे तो इसे हैंड ब्लेंडर या चॉपर में भी काट सकते हैं, या फिर आप इसे ग्रेटर में भी ग्रेट कर सकते हैं। आपकी पसंद की कोई भी सब्जियां इसमें डाल दीजिए इसके न्यूट्रिशन वैल्यू को बढ़ाने के लिए। और फिर मैंने डाला है इसमें दही, तो अभी घर में मैंने दही नहीं जमाया है, तो बाहर का दही मैंने लाया है, और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, अजवाइन और काली जीरा जो होती है ना वो मैंने डाल के पानी दे के इसको मिक्स करके मैं ढक के अलग से रख दूँगी, जब तक कि सूजी थोड़ा सा फूल जाएगा। और तब तक देखिए मेरा जो ये ड्रिंक है ना, ये थोड़ा सा ल्यूकवार्म हो गया है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गर्म तो पी नहीं सकती हूँ। आप चाहे तो इसे टी जितना गर्म पीते हैं ना, सिप सिप करके पी सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आमंड और वॉलनट ले रही हूँ मेरे और शायंतन के लिए, और ये वाला पानी भी जो मॉर्निंग ड्रिंक मैंने बनाया है वो भी हम लोग एक साथ पियेंगे। तो अभी शायंतन त्रियान के पास है, क्योंकि त्रियान सो रहा है अकेले, तो हम उसे छोड़ते नहीं हैं सोने के वक्त भी, क्योंकि वो बहुत ही इधर उधर करते रहता है, तो हमें डर लगता है कहीं वो बेड से गिर ना जाए, तो वो अभी उसके पास ही बैठे हैं। और तब तक मैं थोड़ा सा अपना टाइम एन्जॉय कर लूँगी, अपना ड्रिंक और अपनी जो फर्स्ट मील है ना ये बादाम, वही मैं खाती हूँ आजकल।
और इस समय ना पूरे दिन में क्या क्या करूँगी रफली अपने ब्रेन में सोच लेती हूँ और अपने डायरी में तो लिखा ही होता है टू डू लिस्ट, वही फॉलो कर लेती हूँ। और देखिए त्रियान का भी ब्रेकफास्ट मैंने अभी रेडी कर लिया है, तो सूजी बनाया है उसके लिए आज, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट के साथ। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को दिखाया था सूजी मैं कैसे बनाती हूँ, लेकिन इस बार मैंने उसमें गुड़ नहीं डाला है बल्कि एक मैश करके बनाना डाला है ताकि मिठास जो है उसे बनाना के साथ ही मिल जाए, फ्रूट भी वो कंज्यूम कर ले। और ये सारे नट्स पाउडर मम्मी ने मुझे बना के दिया है जिसमें कैश्यू आमंड वॉलनट पीनट इक्वल प्रोपोर्शन में है और उसका पाउडर बना के दिया है मम्मी ने, वो मैं फ्रिज में स्टोर करती हूँ और 5 दिन में कंज्यूम करती हूँ। और त्रियान का खाना ना मैं ऐसे ब्रास के बोल्स में रखती हूँ क्योंकि ब्रास के कंटेनर में खाना खाना बहुत ही हेल्दी होता है, और फिर मैं एक टिफ़िन बॉक्स के अंदर इसको रख देती हूँ ताकि मैं अच्छे से ढक पाऊँ। और त्रियान के उठने से पहले ही उसका लंच का भी मैं प्रिपरेशन करके रखती हूँ, उसके लिए वेजिटेबल दाल बनाती हूँ मैं हर दिन, और उसके लिए सारे वेजिस को ना मैं चॉप करके रखती हूँ और दाल को है जो मैं भिगो के रखती हूँ ताकि सारे चीज़ें रेडी रहे। उसका ब्रेकफास्ट कंप्लीट होते ही मैं इन सारे चीज़ों को कुक कर लेती हूँ। तो इसमें ना मैं बहुत सारी वेजिस डालती हूँ, ये है शकरकंद जिसे कहते हैं, और कैरेट्स डालती हूँ, पम्पकिन भी डालती हूँ। सारे चीज़ों को ना मैं अच्छे से वॉश कर लेती हूँ वेजिटेबल्स को, और उनको मैं चॉप कर लेती हूँ। काश चॉपिंग इतनी ईजी होती जितना मैंने आपको अभी वीडियो में दिखाया, लेकिन जो भी है करना तो पड़ता ही है। और देखिए यहाँ पर हमारी ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन हो गई है रेडी, सूजी फूल गया है, वाटर एब्जॉर्ब कर लिया है। अब तवे पे मैंने ना थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल ग्रीस कर लिया है, और तवा जब हल्का सा गर्म होगा जैसे मैं हाथ से देख ले रही हूँ तो उसमें हमें ये बैटर पोर कर देना है, अच्छे से फैला लेना है और ढक के कुक कर लेना है। अगर आप ढक के कुक करोगे ना तो ये जल्दी हो जाएगा और सारी न्यूट्रिएंट्स जो है ना वो इवेपोरेट नहीं होगी। और मैंने फिर से अपने कप में थोड़ा सा वो ड्रिंक रिफिल कर लिया है और मैं थोड़ा बहुत सिप सिप करके पीती रहती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और हेल्दी भी है आपके सेहत के लिए। देखिए ये बनते जा रहा है। और नेक्स्ट बैटर ना मैंने थोड़ा सा पानी से लिक्विड कर दिया था तो इससे जल्दी जल्दी और बन रहा था, और ये हम एंजॉय करेंगे ये होममेड हरी चटनी के साथ। इसको भी मैंने बहुत ही इजीली बनाया था, बस धनिया पत्ता, अदरक, थोड़ी सी नींबू का रस और नमक डाल के ग्राइंड कर लिया था, और इसमें मिर्च नहीं डाला था क्योंकि त्रियान भी इसे खाता है। देखिए त्रियान भी उठ गया है, और वो उठते ही अपने बुक्स को देखना बहुत पसंद करता है, सारे कलर्स वो बोलेगा क्या है, फिर मुझको ही पूछेगा कि मम्मी ये क्या है बता दीजिए, और जब मैं उसको पूछूंगी वो भी मुझे आंसर करेगा। तो हम ना त्रियान को कभी स्क्रीन टाइम नहीं देते हैं, अभी तक उसका 20 मंथ्स हो गया है, बस उसके साथ बुक्स लेके ही खेलते रहते हैं और वो ये चीज़ को बहुत ही इन्जॉय करता है। जेब्रा, वेरी गुड। एटा की बंगाली, वेरी गुड। बंगाल ताकु दादा शुक्नो गाल। अरे एटा की अंबिला की आउल, वेरी गुड। ये दोनों टॉयज का नाम ना त्रियान ने दिया है इया और बिया। या बिया दारा बे बोले रे गिर जा रहे थे तो वो मुझे बोल रहा था कि उनको मैं सीधा करके रखूं, और पता है बच्चे जैसा हमें देखते हैं वैसा ही वो सीखते हैं, तो मैं हमेशा इधर उधर क्लीन करते रहती हूँ ना, तो वो भी देख के मुझे बोलता है मम्मी यहाँ पे क्लीन कर दीजिए, वहाँ पे क्लीन कर दीजिए, नहीं तो वो खुद ही कुछ भी उसे मिलता है वो बस लेके उठा के क्लीन करना शुरू कर देता है। तो त्रियान का ब्रेकफास्ट करना कंप्लीट हो गया है, वो अभी खेल रहा है, तो चलिए उसका लंच प्रिपेयर कर लेते हैं। तो उसके लिए ना मैं सब्जी दाल बनाती हूँ, तो पहले मैंने घी में प्याज और मस्टर्ड का छौंक लगाया है, बस प्याज को लाइट ब्राउन होने देंगे और उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा टमाटर और नमक, और जब तक ये गल जाएंगे उसके बाद डालेंगे मसाले, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, थोड़ा सा पिंच ऑफ लाल मिर्च पाउडर, और आज ना मैं इसके दाल में चिकन भी डालने वाली हूँ, तो लेग पीस है और 2 ऐसे पीसेस हैं, और फिर बहुत सारी सब्जियाँ,
तो ये सिर्फ त्रियान नहीं खाता है, ये मैं बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में बनाती हूँ और हम सभी खाते हैं। और मूंग और मसूर के दाल भी मैंने इक्वल क्वांटिटी में धो के रखे हैं और 3 से 4 विसल्स आने तक हम इसे पका लेंगे। और फिर देखिए हमारा दाल रेडी है। तो कुकर में ना पहले कुछ और पका था तो फिर मैंने उसे धोया नहीं और फिर मैंने उसी में त्रियान का दाल बना दिया था, तो इसीलिए आप देखोगे कि कुकर में थोड़े से डिस्कलरेशंस आपको लगेंगे। ये कुछ नहीं है, इसमें पहले दाल पके थे इवनिंग के लिए तो वही वाला था। और देखिए ये दाल भी रेडी हो गया है, तो अलग से मैंने त्रियान के लिए उठा के रखा है। दाल में मस्टर्ड का छौंक देने से ना ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है मुझे। आप भी मुझे कमेंट करके बताइएगा आप कौन सा छौंक देते हैं दाल में। ये बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस है क्योंकि इससे हमें प्रोटीन मिल रही है, न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं सब्ज़ियों से। तो ये अगर आप वेट लॉस जर्नी में हो ना तब आप भी खा सकते हो और अपने बेबी को भी खिला सकते हो कि आपके बेबी को फुल न्यूट्रिशन मिले। हेलो फ्रेंड्स, तो लंच वगैरह हो गया है, अभी थोड़ा सा नैप लेने का टाइम है। उससे पहले मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ कुछ गप्पे करूं। और कुछ शॉपिंग करी है मैंने और मेरी मदर इन लॉ त्रियान को भी साथ में लेके गए थे कल, वही सारी चीज़ें चलिए आपको दिखाती हूँ। क्योंकि हमारी ना बेडशीट्स एंड कर्टन्स फिर सारे चीज़ थोड़े बहुत ख़राब हो गए थे, डिसकलर हो गए थे, तो हमें लगा कि अभी टाइम है खरीद लेने का क्योंकि अभी हमारा बंगाली न्यू ईयर आ रहा है, पहला बैशाख। तो अभी चैत्र, अभी जो चैत्र मास कहते हैं शायद, पता नहीं बंगाली में चैत्र मास कहते हैं, तो बहुत अच्छा अच्छा सेल देता है लोकल शॉप्स में। तो हम लोगों ने, अब देखिए इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने खरीदा है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए ये है बेडशीट, कितना अच्छा प्रिंट है ना इसका, ब्लू लाइट ब्लू एंड डार्क ब्लू कॉन्ट्रास्ट में है। ये है एक और बेडशीट, ये भी बहुत ही अच्छा प्रिंट है, बहुत सॉफ्ट फैब्रिक है, एकदम प्योर कॉटन, क्योंकि अगर प्योर कॉटन ना हो ना तो अच्छा नहीं लगता है, तो मतलब उसमें मज़े नहीं आते हैं। फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ये है एक और बेडशीट, ये जो ब्लू वाली है ना इसी का सेम है ये पिंक वाला, ये दोनों मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है और पूरा एकदम सॉफ्ट है। और इनकी प्राइस आप सुनोगे ना तो आप हैरान रह जाओगे, ये सिर्फ 250 का है, ये वाला 250 का है और ये भी 250 का है और ये वाला जो है ना ये भी 250 का है, मतलब बहुत ही अमेजिंग स्टील भी। और ये है एक सोफ़ा कवर लिया है हमने, ये भी बहुत ही सुंदर इसका प्रिंट है वाइट में, मैंने सारा चीज़ जो है ना वाइट बैकग्राउंड में लिया है क्योंकि मुझे वाइट बहुत ही अच्छा लगता है। और इसका प्राइस सिर्फ 180 रुपीज़ है। और एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, यह है हमारा डाइनिंग टेबल कवर, ये कितना सुंदर है इसका फैब्रिक, आप देखो इसके अंदर देखो कितना सुंदर वर्क किया हुआ है ना, ये डाइनिंग टेबल का कवर है और इसकी प्राइस ही 150 के अराउंड ही आई है। और सारे कर्टन्स जो है ना, हमने कर्टन्स भी चेंज करवाए हैं तो वो घर में आकर नाप लेके गए हैं, तो वो जब डिलीवरी हो जाएगा वो मैं आपको ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी। और बाकी सारी चीज़ें आपको कैसी लगी वो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बेडशीट बेड कवर लेने के लिए ना मैं हमेशा वेट करती हूँ हमारा इस चैत्र सेल का, जब भी आता है तो मैं एकदम चांस मिस नहीं करती। तो देखिए अभी ऑलमोस्ट 5:30 बज रहा है, तो मैं सो गई थी 1 घंटे से ज़्यादा, 1.5 घंटे के लिए, बहुत ही ज़्यादा टायर्ड फील कर रही थी तो सो के उठा है मैंने। और त्रियान अभी भी सो रहा है तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा फ्रूट्स कट कर लेती हूँ सबके लिए। ये ग्रेप्स त्रियान को बहुत ही ज़्यादा पसंद है और फ्रूट्स मैं ना छोटे छोटे पीसेज में कट कर रही हूँ उसके लिए। और सोने से पहले ना मैंने थोड़ा सा कस्टर्ड बनाया था, उसमें फ्रूट्स डालकर मैंने फ्रिज में रख दिया था, जो इतना टेस्टी था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही थी मुझे क्योंकि एकदम चिल्ड हो गया था। मैंने कोई आर्टिफिशियल शुगर नहीं डाला है, तो कभी मैं बनाऊंगी नेक्स्ट टाइम तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और इस बार जल्दी जल्दी में मैं शेयर करना भूल गई। देखिए यहाँ पर 2 बोल फ्रूट्स है, एक मेरी मदर इन लॉ के लिए है और एक त्रियान के लिए है और एक शायंतन के लिए ये वाला है, और मैं भी कट करते करते खा लिया था मैंने भी। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा है ना तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है आपके लिए और भी अच्छे अच्छे कंटेंट्स लाने का। तो फिर ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा, मिलेंगे बहुत ही जल्द एक और वीडियो में। बाय।